हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले ही लेक्चर में हमने आपको बताया था एफईटी के बारे में, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। आज उसी के आगे बढ़ते हुए मॉस्फेट के बारे में बात करेंगे, और मॉस्फेट में जो टाइप है डिप्लेशन टाइप मॉस्फेट, यह बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए, थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। ईएक्स वाले भी, इलेक्ट्रिकल वाले भी इसको पढ़ते हैं। डिप्लेशन मॉस्फेट, इसका जो सर्किट सिंबल है साफ दिख रहा है। डिप्लेशन मॉस्फेट दो प्रकार से काम करेगा, एन चैनल और पी चैनल। एन चैनल में और पी चैनल में केवल जो सब्सट्रेट दिख रहा है, सब्सट्रेट से करंट की डायरेक्शन से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये एन चैनल है और ये पी चैनल है। जब इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डिप्लेशन मॉस्फेट में बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम द बेसिक मॉस्फेट स्ट्रक्चर। बेसिक मॉस्फेट स्ट्रक्चर से इसको हम फैब्रिकेट कर सकते हैं। एन चैनल इज ऑब्टेंड बाय डिफ्यूजन बिटवीन एन प्लस टाइप सोर्स एंड ड्रेन इन एन एन चैनल मॉस्फेट। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है एन चैनल डिप्लेशन मॉस्फेट में एन प्लस दो आपको सोर्स और ड्रेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और नीचे इसमें एन चैनल को हमने डिफ्यूज किया है। तो पी टाइप सबस्ट्रेट लिया और पी टाइप सबस्ट्रेट में एन चैनल को डिफ्यूज कर दिया, तो यहाँ से गेट बन गया। एक तरफ एन प्लस का सोर्स रहेगा, दूसरी तरफ एन प्लस का ड्रेन रहेगा, और बीच में SiO2 की लेयर लगा देते हैं। इन डिप्लेशन मॉस्फेट अ लाइटली डोप्ड एन चैनल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू हैविली डोप्ड सोर्स एंड ड्रेन ब्लॉक्स। निश्चित तौर पे इसमें हैविली डोप्ड एन प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है हैविली डोप्ड एन चैनल है, एन टाइप मटेरियल है, और तो सोर्स और ड्रेन दोनों ही हैविली डोप्ड होते हैं। जबकि जो इसका जहाँ से गेट बनता है वो एन चैनल लाइटली डोप्ड होता है। डिप्लेशन मॉस्फेट में बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम द बेसिक मॉस्फेट स्ट्रक्चर। ए पी जब चैनल बात कर रहे हैं, पी चैनल डिप्लेशन की बात करते हैं, तो एन पी टाइप चैनल इज ऑब्टेंड बाय डिफ्यूजन बिटवीन पी प्लस टाइप सोर्स एंड ड्रेन इन द पी चैनल मॉस्फेट। इन पी चैनल डिप्लेशन मॉस्फेट आर मेड बाय यूजिंग एन टाइप सबस्ट्रेट एंड डिफ्यूजिंग अ लाइटली डोप्ड पी चैनल बिटवीन द टू हैविली डोप्ड पी टाइप सोर्स एंड ड्रेन ब्लॉक्स। जब एन चैनल बनाएंगे, एन चैनल या एन टाइप डिप्लेशन लेयर बनाए चैनल मॉस्फेट बनाते हैं, उस समय पी टाइप का सब्सट्रेट लेते हैं, और जब पी चैनल डिप्लेशन मॉस्फेट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एन टाइप सब्सट्रेट लेना पड़ता है। मॉस्फेट के पी चैनल एन चैनल के दोनों के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करते हैं पी चैनल की, तो गेट सब्सट्रेट से, गेट से करंट बाहर की ओर और एन चैनल में अंदर की ओर प्रवेश करती है। जब इसकी हम वर्किंग की बात करते हैं, तो नेगेटिव गेट ऑपरेशन ऑफ ए डिप्लेशन मॉस्फेट इज कॉल्ड इट्स डिप्लेशन मोड ऑपरेशन। नेगेटिव गेट ऑपरेशन, बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि नेगेटिव गेट ऑपरेशन ऑफ डिप्लेशन मॉस्फेट इज कॉल्ड इट्स डिप्लेशन मोड ऑपरेशन। व्हेन VGS गेट सोर्स वोल्टेज को हम जीरो कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रीली फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। जैसे ही VGS वोल्टेज जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो होने लगते हैं थ्रू द कंडक्टिंग चैनल। सिंस अ चैनल एग्जिस्ट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, ड्रेन करेंट ID फ्लोज इवर व्हेन VGS इक्वल टू जीरो। VGS जीरो होने के बाद भी ड्रेन करंट फ्लो होती है। इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मली ऑन मॉस्फेट, ये मॉस्फेट की ऑन कंडीशन कहलाती है।
वेन नेगेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट, अभी हमने VGS को जीरो किया था, अब VGS को हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे. पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द चैनल बाई कैपेसिटिंग एक्शन, और इसमें कैपेसिटी का एक्शन शुरू हो जाता है. द इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्जेस मेक द चैनल लेस कंडक्टिव एंड ड्रेन करेंट डिक्रीजेस एज VGS इज मेड मोर नेगेटिव. डायग्राम में भी इसको दिखाया गया है. विथ नेगेटिव वोल्टेज अ डिप्लीशन MOSFET बिहेव्स लाइक ए JFET. जब VGS को हम नेगेटिव वोल्टेज पर रखते हैं तो हमारा जो डिप्लीशन MOSFET है वह बिल्कुल JFET की भांति व्यवहार करता है. When positive voltage is applied to the gate 3, electrons are induced channel. This enhances the conductivity of the channel, so increasing amount of current between terminals. Since the action of negative voltage on gate to deplete the channel of free and charge carriers, so named as depletion MOSFET. इसीलिए इसको डिप्लीशन MOSFET कहते हैं. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लीशन MOSFET. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक दिखी है, इसमें VDS ड्रेन सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट ID के बीच में ग्राफ खींचा गया है. अलग अलग वैल्यू है. VGS को हमने जीरो वोल्टेज पे लिया, प्लस लिया, प्लस 1 वोल्ट है, प्लस 2 वोल्ट है, और जब हम बात करते हैं नेगेटिव वोल्टेज की, VGS -3 वोल्ट है, -1 वोल्ट है. तो माइनस जब वोल्टेज लेंगे, VGS नेगेटिव वोल्टेज पर होगा, तब हमारे पास क्या मिलेगा आपको, डिप्लीशन मोड होगा. और जब हम इसको पॉजिटिव मोड पर रखेंगे तो VGS पॉजिटिव होगा. उस कंडीशन में VDS और ID का जो ग्राफ आएगा वो एनहेंसमेंट मोड के लिए आएगा. द कंडक्शन इन एन चैनल FET इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, that is the majority charge carriers. Therefore, the induced positive charges make the N-channel less conductive. The drain current therefore get reduced. The increase in the gate-wise voltage. The distribution of charges in the channel results in depletion of majority carriers. That is why this type of MOSFET is called depletion MOSFET. The voltage drop due to the drain current causes the channel region nearer to the drain to be more depleted than the region due to source. ग्राफ में बताया गया है. In depletion MOSFET can also be operated in enhancement mode simply by applying the positive voltage. यह बात ध्यान देने की है कि MOSFET है, यदि इसको VGS को नेगेटिव वोल्टेज पर रखते हैं तो ये डिप्लीशन मोड में काम करेगा, और यदि हमने VGS को पॉजिटिव वोल्टेज पर रख दिया तो वह सिंपली एनहेंसमेंट MOSFET का काम करेगा. एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव गेट वोल्टेज रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड नेगेटिव चैनल इन द पी चैनल. ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्लीशन MOSFET की जब बात करते हैं, दस द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल gets increased. The N-channel depletion MOSFET can be used as an enhancement mode by changing the gate voltage polarity. Polarity change कर देंगे, VGS को positive रखेंगे तो enhancement mode मिल जाएगा, VGS को negative रखेंगे तो depletion mode मिल जाएगा. When a MOSFET is operated this way, we can it as dual mode MOSFET. इसलिए इसे ड्यूअल मोड MOSFET कहते हैं, क्योंकि केवल VGS को चेंज करने से, पॉजिटिव नेगेटिव करने से, वही MOSFET डिप्लीशन मोड में काम करेगा और वही MOSFET एनहेंसमेंट मोड में काम कर सकता है. कंपैरिजन ऑफ MOSFET एंड JFET. JFET का जो गेट इज नॉट इंसुलेटेड, इसका गेट जो है चैनल से इंसुलेटेड नहीं होता. MOSFET और IGFET is insulated from the channel gate. In case of JFET, channels and gate forms two PN junction, whereas in MOSFET, channel and gate forms parallel plate capacitor. In case of JFET,
देयर आर ओनली थ्री लीड्स, इन केस ऑफ MOSFET देयर आर फोर लीड्स, ड्रेन, सोर्स, गेट एंड सबस्ट्रेट. इन केस ऑफ FET ओनली थ्री टर्मिनल्स, थ्री लीड्स, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. कैन बी ऑपरेटेड, JFET कैन बी ऑपरेटेड इन डिप्लीशन मोड ओनली. JFET केवल डिप्लीशन मोड में ही ऑपरेट होता है, जबकि MOSFET डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड दोनों मोड में ऑपरेट होता है. जब हम बात करते हैं इनपुट इम्पीडेंस की, तो JFET की इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है और MOSFET की इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होती है, बहुत अधिक होती है. JFET में सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटीज लेस, कम होती है, जबकि MOSFET में सिग्नल हैंडलिंग कैपेसिटी अधिक होती है. JFET में गेट करंट इज मोर, गेट करंट ज़्यादा होती है, जबकि MOSFET में गेट करंट इज वेरी लेस. इन केस ऑफ JFET फैब्रिकेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली. इन केस ऑफ MOSFET इजी टू फैब्रिकेट, चीप एंड मोस्ट. एडवांटेजेस ऑफ MOSFET ओवर JFET. द इंसुलेटेड गेट इज MOSFET इज रिजल्ट इन मच ग्रेटर इनपुट इम्पीडेंस देन डेट ऑफ JFET. इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाया वोल्टेज, बायस वोल्टेज एंड दिस कैपेसिटेंस आर स्मॉलर इंक्रीज इन केस ऑफ MOSFETs एंड JFET. इट इज इजियर टू फैब्रिकेट MOSFET देन JFET. MOSFET हैज नो गेट डायोड, दिस मेक्स इट पॉसिबल टू ऑपरेट विथ पॉजिटिव और नेगेटिव गेट वोल्टेज. एप्लीकेशन ऑफ MOSFETs, बिकॉज ऑफ हायर इनपुट इम्पीडेंस द एनहांसमेंट टाइप MOSFET डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड एज माइक्रो रेजिस्टर इन इंटीग्रेटेड माइक्रो सर्किट्स फॉर इलेक्ट्रोमीटर सर्किट्स वेर एक्सेप्शनली लो करेंट आर टू बी मेजर्ड, MOSFET आर मोस्टली रियली यूज आइडियल. MOSFETs आर वेरी स्मॉल साइज विच मेक दैम सुटेबल फॉर हायर कॉम्प्लेक्स डिजिटल एरे. आज के इस लेक्चर में हमने डिप्लीशन टाइप MOSFET, एन चैनल डिप्लीशन टाइप MOSFET, पी चैनल डिप्लीशन MOSFET के बारे में चर्चा की, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और JFET से MOSFET अच्छा क्यों होता है, इसके बारे में हमने जाना. अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इन्हेंसमेंट टाइप MOSFET के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे. थैंक यू वेरी मच.